इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और उसे टेररिस्तान का नाम दिया। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीएम शाही अब्बासी के उस भाषण का जवाब दिया जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे कि कश्मीर में लोगों के संघर्ष को भारत द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया है। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण शुक्रवार को भारत के मुख्य इक्विटी सूचकांकों में नवंबर 2016 के बाद सबसे तेज गिरावट देखी गई। रुपए में कमजोरी और कैपिटल गुड्स, मेटल और बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली का भारी दबाव देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों पर जमकर बरसे और कहा कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें विकास से नफरत थी और राष्ट्रीय खजाने को चुनाव में जीतने के लिए बर्बाद कर दिया गया। वाराणसी की 2 दिन की यात्रा शुरू करते हुए मोदी ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को 1,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा दिया। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाबाद द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाए जाने पर चीन ने निष्पक्ष रुख अपनाते हुए कहा कि कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान द्वारा ही हल किया जाना चाहिए। बीजिंग ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने के लिए OIC की मांग को भी स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। सरकार देश की विकास दर वापस पटरी पर लाने की दिशा में काम कर रही है और जिम्मेदार कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय विवेक की आवश्यकता है क्योंकि असली जवाब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और विकास के बीच संतुलन में छिपा हुआ है। सभी राज्यों को गौ रक्षकों द्वारा पीड़ितों की भरपाई करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को रोकने के लिए सभी जिलों में एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करके अपने आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो विदेश जाकर अपने बैंक खातों को बंद न कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई चल रही थी। भूमि सौदे से संबंधित एक मामले में कर्नाटका ACB ने सबूतों की कमी के कारण BJP सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच पर रोक लगा दी है। भारत का सबसे छोटा और सबसे कम उम्र का प्री टर्म बेबी निर्वाण, जो केवल 22 हफ्ते के बाद पैदा हुआ और जिसे 132 दिनों के लिए NICU में रहना पड़ा, को मुंबई के हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। 12 मई 2017 को पैदा हुए इस बच्चे का वजन 610 ग्राम, सिर का आकार 22 सेंटीमीटर और लंबाई 32 सेंटीमीटर है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में चुनावों की पृष्ठभूमि के खिलाफ निर्मित हिंदी फिल्म न्यूटन को ऑस्कर 2018 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में घोषित किया गया है। फिल्म की टीम का कहना है कि ये फिल्म के निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन की बात है जिन्होंने ये जोखिम उठाया। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।